हेलो शेरबू, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। तो अभी मैं ये पीछे की तरफ गोविंद सागर लेक है वहाँ पे खड़ा हूँ। ये मतलब बटसर से जो व्यू आता है पीछे का, ये नीचे जो भाखड़ा बांध और नंगल डैम है, ये लेक है वहाँ से बनती हुई आ रही है। जो भी यहाँ की लोकल खड्डे हैं उनमें ये पानी भर भर के ये गोविंद सागर लेक बनी हुई है। तो बहुत ही मस्त व्यू आता है यहाँ से। आज हम कुछ काम से, वीज़ा के काम से, जो घर वाले हैं उनको उनके वीज़ा का काम है चंडीगढ़ में, तो वहाँ जा रहे हैं। तो आज चंडीगढ़ जाते जाते हमने ये ऊना में फर्स्ट क्राई के स्टोर के बारे में सुना है कि वहाँ पे एक फर्स्ट क्राई का स्टोर है। यूजली हम मतलब आप भी करते होंगे ऑनलाइन शॉपिंग बच्चों के कपड़ों की फर्स्ट क्राई से, तो हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा है स्टोर वहाँ पे। मतलब उसके बाद फिर हम चंडीगढ़ में कुछ खाने के ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप फर्स्ट क्राई जो ऑनलाइन जो शॉपिंग है फर्स्ट क्राई से उसके फ़ैन हो, तो आपके लिए एक टिप है कि ऊना में इनका एक स्टोर भी है, तो यहाँ पे आप फिज़िकली आके भी शॉपिंग कर सकते हो। तो हम भी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। तो अभी हम फर्स्ट क्राई गए थे तो वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा नहीं मिला, जैसे एटलीस्ट जो हमारी गुड़िया का एज ग्रुप है उसमें कुछ कोई कपड़े नहीं मिले हमें कुछ खास। तो मतलब ठीक है, ओके है। तो अभी हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, तो हमने ये होटल बेकन्स है उसमें चेक इन किया है। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो ये जो रूम है इसका एक नाइट का टैरिफ है लगभग 3500 रुपये, और अच्छा दिख रहा है रूम। और ये हमारी क्यूटी पाई ये हमारा दूसरा रूम है दो लोगों के लिए, तो जो इसका टैरिफ है एक नाइट का 2500 रुपये। तो ये एग्जैक्टली सेम रूम है, और दूसरे का टैरिफ जो है 3500 है, क्योंकि उसमें हम तीन एडल्ट्स हैं और ये हमारा छोटू भी है तो ये दोनों काफ़ी अच्छे रूम है, सेम रूम है एग्जैक्टली, बस टैरिफ का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि पर्सन का डिफरेंस है। तो दो लोग 2500 रुपये पर नाइट, और अगर आप पर्सन बढ़ाते हैं तो उस तरह से 700-800 पर पर्सन रेट बढ़ता जाता है। मुझे ये होटल काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी पार्किंग है अंदर ही, और काफ़ी बड़ा है, रूम वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। ये जो होटल बेकन है ये सेक्टर 42 में, तो अभी हम नज़दीक में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे, मतलब जल्दी से मिल जाए क्योंकि अभी 9:30 हो गए हैं और 10:30 बजे मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो हमें ये दिखाया मिला है अभी जायका 41, तो करते हैं इसे ट्राई, दिखाएँगे हम आपको भी कैसा है इसका खाना। यहाँ पे अभी हमने ट्राई नहीं किया है पर जो डील है वो बहुत ही मस्त है, 150 रुपये में बूफे है, और बहुत अच्छा बूफे है, मतलब जैसे मैंने पहले आपको दिखाया तो अच्छी वैरायटी है। तो करते हैं ट्राई, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि 150 रुपये में बूफे पर पर्सन, शायद आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो इनका वेज बूफे है वो 149 रुपीज़ में है, और आपको तीन तरह की रोटी भी दे रहे हैं, ये मिस्सी रोटी, लच्छा परांठा, बटर नान, तो मतलब खूब इन्जॉयमेंट है चाइनीज़ भी है इसमें, मंचूरियन वगैरह, नूडल्स वगैरह। अभी हम ही वापस रह गए हैं यहाँ पे क्योंकि अभी ये क्लोज़ होने वाला है। तो जायका 41 में खा के मज़ा आ गया, आपको यहाँ लिखा भी आ रहा होगा 149 रुपीज़ का 150 रुपये में ये बूफे दे रहे हैं, बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब उसमें काफ़ी सारी डिशेज़ हैं। और मैंने पूछा है कि मतलब क्या रीज़न है कि इतना मतलब सस्ता दे रहे हैं, क्योंकि आजकल 150 रुपये में तो आप मतलब ढाबे में भी नहीं खाना खा सकते हो तो यहाँ पे बहुत सारी डिशेज़ थी, सिर्फ आपको स्वीट्स नहीं मिलेंगे, डेजर्ट्स नहीं मिलेंगे, वो आप खुद ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने पूछा कि क्या रीज़न है, तो वो बोलते हैं कि 5 महीने पहले खुला है, शायद प्रमोशन के लिए ही कर रहे हैं ये, मतलब तो यहाँ पे आप भी ट्राई कर सकते हो जब आप आओ। ये सेक्टर 41 में है, जायका 41, तो मतलब बर्थ है पूरा ऐसे की, और इन्जॉय भी करोगे आप। तो अभी हम फिर से वापस होटल जा रहे हैं, तो जस्ट हमने चेक इन करने के बाद हम यहाँ डिनर करने आ गए थे। तो इसी के साथ हम आज का ये ब्लॉग खत्म कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, जय हिंद, चूज़।